Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम टू बेस पावर। और आज हम आपको हमारे इंडियन रिवर्स, भारतीय नदियों से लेकर कुछ बताने जा रहे हैं, यानी कि ये जो है भौगोलिक इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आए तभी इसे सब्सक्राइब और लाइक करें, ठीक है। तो चलिए हम आते हैं मेन बात पर। आज हम जिसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं, तो हम बताने जा रहे हैं आपको रिलेटेड टू इंडस, रिलेटेड टू द रिवर्स, यानी कि उन रिवर्स से जो हिमालय से आ रही है। हमारे भारत में दो तरीके की रिवर्स होती हैं, एक रिवर हिमालयन और दूसरी होती है पेनिनसुलर। तो जो रिवर्स हमारे ऊपर से आए हिमालय से आए उन्हें हिमालयन रिवर कहते हैं, और जो रिवर यहाँ से आए पेनिनसुलर, जिन्हें हिंदी में पठार कहते हैं, उन्हें पेनिनसुलर रिवर्स कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग आपके साथ सिर्फ हिमालयन रिवर से लेकर बात करने जा रहे हैं। तो हिमालयन रिवर में सबसे पहली जो रिवर है वो है हमारी इंडस रिवर, और इस इंडस रिवर को हम हिंदी में सिंधु भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी जो इंडस नदी है, जो सिंधु नदी है, वो ऑरिजिनेट करती है मानसरोवर लेक से तिब्बत से, यानी कि वो कह सकते हैं यहां से आती है, ठीक है। ये इसके यहां जब ये इसके अंदर एंटर करती है तो ये लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर एंटर करती है मानसरोवर तिब्बत, ठीक है। और यहां ये एंटर करती है हमारे लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर, लद्दाख डिस्ट्रिक्ट से ये एंटर करते हुए फ्लो करती है, और ये फ्लो होते होते आ जाती है हमारे पंजाब में। अब हम बात करें तो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इंडस रिवर चार और छोटी जो इसकी होती है ना ट्रिब्यूटरी जिसे हम कहते हैं उनसे मिल जाते हैं। ये ट्रिब्यूटरी है ये आपको याद रखनी होगी, सबसे पहली है जास्कर, दूसरी है हुंजा, तीसरी है नुबरा और चौथी है शिव। यानी कि ये चार रिवर, ये जो चार ट्रिब्यूटरीज हैं, ये लद्दाख में आके हमारे इंडस से मिल जाती हैं। अब जब ये रिवर हमारी इंडस रिवर फ्लो होते हुए जम्मू कश्मीर से आती है पंजाब के अंदर, तो ये और पांच रिवर से मिल जाती है। उन पांच रिवर्स का नाम है, तो पंजाब में ये मिल जाती है और पांच रिवर से, जिसका पहली है झेलम, रावि, बीस, सतलज, चेनाब। यानी कि पांच रिवर थी पंजाब में मिलती है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये काफी पूछी जाती हैं कि इंडस की कौन सी, सिंधु की कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये ट्रिब्यूटरीज आप याद रखें, ये चार ट्रिब्यूटरीज इसे यहाँ मिलती हैं और ये चार ट्रिब्यूटरीज पंजाब में मिलती है। अब ये जो है सीधा पहुंच जाती है मिठान, पंजाब से पहुंच जाती है मिठानकोट में, मिठानकोट जो अब पाकिस्तान में है। अब आगे बढ़े, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ कि जब मैं आपको बताया कि पंजाब में इन पांच नदियों से आके मिल जाती है, तो जो दरअसल जो पंजाब नाम है वो दो शब्दों से बना हुआ है, पंज और अब। एक्चुअली पंज का नाम है पांच, पंज का मतलब होता है पांच, और जो अब है, अब का मतलब होता है वाटर, अब का मतलब वाटर होता है, पंज का मतलब पांच, यानी कि फाइव वाटर। वाटर हियर रिफर्स टू वाटर का यह मतलब है रिवर्स, और वो रिवर कौन सी है, वो रिवर ये है, ये पांच रिवर, जिस कारण झेलम रिवर, झेलम, रावी, बीस, सतलुज और चिनाब, जिस कारण ही पंजाब को ये नाम दिया गया पंच आव, यानी पांच रिवर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर आके पांच रिवर्स पंजाब में मिली, फिर ये मिठानकोट जो कि अब पाकिस्तान में है, ठीक है, पाक यहाँ चली जाती है इसके बाद, यानी कि वेस्ट में, वेस्ट की ओर ये फ्लो करती है, फिर इधर से फ्लो होती हुई ये कराची के ईस्ट में, यानी कि इधर, सॉरी, कराची के साउथ में ये फ्लो करने लगते हैं,
और फ्लो करते करते ये पहुंच जाती है हमारे अरब सागर में, अरेबियन सी। तो यहाँ इसकी जर्नी कह दें तो खत्म हो जाती है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं कि इंडस रिवर वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर है, यानी कि सबसे और इसका आखिरी अहम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडस का ये है कि जो इसकी लेंथ है वो है 2900 किलोमीटर, ठीक है। तो अब मैं एक बार और क्विक रिकैप कर देता हूँ पूरा कि इसकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर आती है ये। तो हमारी इंडस रिवर सिंधु नदी मानसरोवर लेक तिब्बत में जो है वहां से ओरिजिनेट करती है, वहां से निकलती है और वो इंडिया के अंदर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में है वहां से एंटर करती है, जहां ये अपनी चार जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनसे मिलती है, जो कि है जास्कर, हुंजा, नुब्रा और शिव। इन चार नदियों से मिलती है, फिर ये फ्लो करती है पंजाब की तरफ, पंजाब में ये फिर दोबारा से पांच अपनी ट्रिब्यूटरीज से मिलती है। वो ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी झेलम, रावी, बीस, सतलुज, चेनाब, ये पांच रिवर, जिस कारण इसे कहा जाता है पंजाब, यानी ये पांच रिवर्स। अब उसके बाद ये फ्लो करती है मिठानकोट, जो कि अब पाकिस्तान में है, उसकी तरफ ये फ्लो करती है। मिठानकोट से फिर ये फ्लो होते होते सीधा पहुंच जाती है हमारे अरेबियन सी में और यहाँ आकर इंडस रिवर खत्म हो जाती है। तो अब हम आपको अपनी हिमालयन रिवर्स की दूसरी जो रिवर है उसके बारे में बताना चाहेंगे, गंगा, गंगा बेसिन जिसे कहते हैं। बेसिन, बेसिन का मतलब होता है रिवर सिस्टम, ठीक है। अब ये जो गंगा है इसकी सबसे पहली बात ये है कि इसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर, ठीक है। अब गंगा का जो हेड वाटर है उसे भागीरथी कहते हैं और गंगा जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई आती है, ठीक है। और ये मीट करती है हमारे अलकनंदा से एट देवप्रयाग, देवप्रयाग उत्तराखंड में है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर्स मीट करती हैं देवप्रयाग से जो है हमारे उत्तराखंड के अंदर। अब इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीन है इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इसके अलावा इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज यहां से पेनिनसुलर रिवर से भी आती है, वो है चंबल, बेटवा और सोन, ये हैं इसकी, ये है पेनिनसुलर रिवर्स बट ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है गंगा की। अब जो घाघरा, गंडक, गंडक और कोसी हैं, ये नेपाल के जो हिमालयाज हैं, जो नेपाल में हिमालयाज हैं, वहां से निकलती हुई आती है, वहां मिलती है इससे, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारी जो ये है गंगा, गंगा फ्लो करती है टुवर्ड्स द ईस्ट, ये ईस्ट की तरफ फ्लो करती है वेस्ट बंगाल तक। और इसकी जो एक मेजर रिवर, जो मेजर कहते हैं ट्रिब्यूटरी है वो यमुना, जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और अलाहाबाद में आकर गंगा से मिलती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जब ये फ्लो करती है तो इसके साथ जब वेस्ट बंगाल में पहुंच जाती है तो वेस्ट बंगाल में जब ये जाती है तो ये मिल जाती है ऊपर से आने वाली जो दूसरी तीसरी हमारी रिवर है वो है ब्रह्मपुत्र, ये इससे यहां पर आके मिल जाती है। और जब ये दोनों एक साथ मिलती हैं तो ये जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है हमारा सुंदरबन डेल्टा वो फॉर्म करते हुए सीधा पहुंच जाती है बे ऑफ बंगाल। वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो,
और सब्सक्राइब मत कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स पावर। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ रिलेटेड टू आवर इंडियन रिवर्स, अपना हमारी भारतीय नदियों से लेकर कुछ हम बताने जा रहे हैं आपको। तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए।